अर्जुन गार्गी ताई जी She's done it again. कभी कभी तो मुझे लगता है ये फुल ऑन नाटक कर रही है ताई जी प्लीज ऐसे मत बोलिए क्यों क्यों ना बोलूं उधार की जिंदगी जी रहे हो तुम सब लोग दूसरों के टुकड़ों पे पलना अच्छा लगता है हाँ अगर इतनी सी भी शर्म होती ना तुम्हें तो रात के अंधेरे में इस घर से चले जाते या पॉइजन खा लेते बट नो तुम लोगों ने ना तो कसम खाई हुई है कि हमारे गले में फंसी हुई हड्डी की तरह अटके रहोगे मैम आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है बारह मैम उनकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब है तो वो इंजेक्शन फिर से दे दो मैम वो उस इंजेक्शन का एक भी डोज बर्दाश्त नहीं कर सकती या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या वो मर भी सकती है मरती है तो मर जाने दो तुम्हें उससे क्या तुम्हें जो काम कहा गया है वो चुपचाप से करो वैसे भी भूमि हमारे किसी काम की नहीं अभी जाओ यस दिग्विजय व्हाट इज इट आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड एंड एज अ जेस्चर ऑफ अपोलॉजी आपके लिए हमने महाजन होटल में एज प्रॉमिस्ड एक प्रीमियम स्वीट बुक किया वैसे तो मुझे बहुत ऑड लग रहा है ये रिक्वेस्ट करते हुए बट प्लीज आज आप आज के आज ही शिफ्ट हो जाइए कल की हमारी मजबूरी थी बट आज आप शिफ्ट हो सकते हैं एंड आई एम सॉरी एक्चुअली हमारे घर में दादा बाबू के डिसीजन के खिलाफ कोई नहीं जाता अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी आपसे ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करता आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स ओके दिग्विजय आई अंडरस्टैंड मैं बस अभी एक मीटिंग के लिए पहुंची हूँ ये मीटिंग खत्म करती हूँ मैं महाजन हाउस को छोड़कर चली जाऊंगी डोंट वरी थैंक यू सो मच मिस मुल्तानी बाय तो क्या लगता है ऑफिसर्स काम हो जाएगा नहीं ये काम करना मुश्किल है इम्पॉसिबल तो नहीं है ना आप लोग एक्सपर्ट्स हैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे जी नहीं मैम ये काम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है समझिए महाजन बहुत बड़े लोग हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं हमारे लिए काम मुश्किल है रोज ठीक है मैम हम ट्राई करते हैं सब ट्राई नहीं करेंगे यार आज के आज ये काम हो जाना चाहिए टेक्निकली आप लोग ये काम कर सकते हैं क्योंकि अभी महाजन्स का इस पर ध्यान नहीं है और अगर कल के दिन वो लोग हमें कोर्ट में चैलेंज भी करते हैं तो आपको पता है हिंदुस्तान में तो सालों साल केसेस चलते रहते हैं ये भी चलते रहेगा लेकिन तब तक मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपके साइड से अपना ये काम डन समझ रही हूँ
रोज ठीक है, काम होने के बाद हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, पर मोबाइल पे नहीं, लैंडलाइन पर कॉल करेंगे। ध्यान से देखिए, कार्ड पर लैंडलाइन नंबर ही मेंशन्ड है, मोबाइल नंबर नहीं। ठीक है मैम। दो मिनट में नहीं निकले तो धक्के मार के यहां से निकालूंगी तुम्हें। लेकिन मिस मुल्तानी, माँ की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, घर में उनका इलाज कैसे होगा अगर माँ को कुछ? कुछ नहीं होगा उन्हें, ठीक हो जाएंगी ये। ट्रस्ट मी, डॉक्टर कृपलानी इज द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन। बस इन्हें जल्दी से कमरे में लेके जाते हैं। डॉक्टर प्लीज इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, जब मिसेस भूमि महाजन का इलाज यही महाजन हाउस में हो सकता है तो फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है? अरे, या फिर आप लोग टाइम वेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं। मिसेस महाजन, डीजे की चाची को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है जो उन्हें यहाँ महाजन हाउस में मिल सकती है, तो उनका जो भी इलाज होगा वो यही होगा। आई होप आप दोनों को समझ में आ गया है। अगर आप दोनों का कुछ और इरादा है तो हमारा इरादा तो नेकी है। जय हो। यही लड़की जब देखो हमारा प्लानिंग लुटिया कड़क कर देती, इसको तो हम देख ले। हेलो डीजे, यू नो व्हाट, युक्ति दूसरे डॉक्टर्स को ले आइए घर पे, वो भी भूमि के इलाज के लिए। व्हाट बॉम, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हमारे फर्जी डॉक्टरों के अलावा किसी और ने इलाज करा उस बुढ़िया का तो सबको पता चल जाएगा हमने क्या प्लान किया था, और वो ठीक हो गई तो भग जाएगी दादा बाबू के सामने कुछ। आई नो डीजे, पर कैसे रोकूं इन लोगों को? द सिचुएशन इज नॉट इन माय हैंड। अगर जोर जबरदस्ती करी तो सवाल हम पर उठेंगे। अच्छा खासा काम तमाम हो जाता है इनका। पर युक्ति इनको वापस ले आई, कल रात को ये यहाँ से चली जाती ना तो अच्छा होता, ये नौबत नहीं आती। और तुम्हें मालूम है इसे किसने बुलाया है? अर्जुन ने। अब समझ में आ रहा है इस युक्ति मुल्तानी को यहाँ रोक कर हमने कितनी बड़ी गलती करी है। उसे पता है इस सब के पीछे उस युक्ति मुल्तानी का हाथ है। Don't worry, mom. I'm coming home. कहा है कि तुम्हारी मम्मी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये राइट मेडिसिन है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, इन्हें जो इंजेक्शन दिया जा रहा है इनकी सेहत के लिए क्या इसका डेली डोज दिया जा सकता है? यस मिस मुल्तानी, ये राइट मेडिकेशन है और आप खुद ही देख रही हैं कि इस इंजेक्शन के बाद इनकी हालत कितनी स्टेबल हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, सेम इंजेक्शन देने से मम्मी इतनी स्टेबल हो गई हैं, पर उस दिन तो उनकी तबीयत और खराब हो गई थी। हाउ कैन दैट बी? डॉक्टर साहब,
मम्मी की तबीयत कैसी है? शी इज फाइन नाउ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर राइट नाउ। मिस मुल्तानी ने हमें सही समय पर बुला लिया, नहीं तो बात बिगड़ सकती थी। मिस मुल्तानी, आपने भूमि के लिए जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अर्जुन बेटे, अब से भूमि की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भूमि की सारी दवाइयां, इसके खाने पीने का और इसके लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब कुछ डॉक्टर साहब से ठीक से समझ लेना और मुझे टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहना। जी दादा बाबू। जी जी, मैं इनको सब कुछ समझा दूंगा। और पेशेंट को रेस्ट करने की जरूरत है, तो हम सब लोग बाहर चलते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आइए। आज पहली बार लगा कि मैं आपको खो दूंगी मम्मी, बहुत डर गई थी मैं। अधिकार और सम्मान की ये लड़ाई जीतनी है मुझे, पर मम्मी आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ। आज अगर आपको कुछ हो जाता ना, तो मेरी जिंदगी की उम्मीद ही टूट जाती। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मेरे लिए, ईशा के लिए, अर्जुन के लिए, बस। इन महाजन्स की तो ईंट से ईंट बजाने वाली हूँ मैं अब मम्मी। एक ऐसी तिकड़म हाथ लगी है कि बस आप देखते जाओ मैं क्या कर दिखाती हूँ। युक्ति मुल्तानी, युक्ति मुल्तानी, रिलैक्स दिग्विजय, क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहा हूँ? How dare you intervene with my family matter? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.